नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये है फिलिप्स का हेयर ड्रायर, और अगर आपको नहीं पता कि एक हेयर ड्रायर कैसे वर्क करता है तो दोस्तों आप सही जगह आए हो। इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे एक हेयर ड्रायर वर्क करता है और क्या होता है एक हेयर ड्रायर के अंदर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है फिलिप्स का हेयर ड्रायर, 1000 वाट का हेयर ड्रायर है, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 मोड हैं। एक तो ऑफ है, एक आपका लो मोड है, एक आपका हाई मोड है। और फिलहाल दोस्तों ये प्रोडक्ट स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं आपके बालों को सुखाने के लिए, और हम जैसे टेक्नीशियन इसका इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर पानी चला जाए तो उसको सुखाने के लिए, ग्लू को ढीले करने के लिए। तो दोस्तों बहुत सारे इसके और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि ये हेयर ड्रायर कर सकता है। तो फिलहाल दोस्तों अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि कैसे ये हेयर ड्रायर वर्क करते हैं और क्या होता है इसके अंदर, तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में यही दिखाने जा रहा हूँ। तो फिलहाल हेयर ड्रायर को खोलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हेयर ड्रायर अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देखो तो ये चल रहा है आराम से, और ये फुल मोड हो गया तो फिलहाल ये अच्छे से वर्क कर रहा है। और मेरा जो मोटिव रहेगा कि इसको वापस इसी फॉर्म में रख दूँ, नहीं तो आपको पता ही क्या हो जाएगा। तो फिलहाल इसको खोलने के लिए 2 स्क्रूज़ हैं, और मैं देख चुका हूँ दोस्तों ये स्क्रूज़ आपके फिलिप्स वाले स्क्रूज़ नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का इसको स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ेगा। 3 मुंह वाला है दोस्तों ये, तो इससे मैं इन स्क्रूज़ को निकाल देता हूँ। तो अब इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, ऊपर की साइड कोई क्लिप है तो ये खुल चुका है। ये है दोस्तों इसका स्विच, ये है इसके पीछे की बॉडी, और ये है इसका एलिमेंट और फैन। आइए दोस्तों मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ कि ये होता कैसे है। तो दोस्तों इस हेयर ड्रायर के अंदर आपको एक तो प्लास्टिक की बॉडी मिल जाएगी, आगे की साइड को आपको देख सकते हैं कि अल्मीनियम का एक केज लगा रखा है, और पीछे की साइड को भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि वायर मैश है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल पीछे से एंटर ना कर पाए। और दोस्तों ये इसलिए लगा रखा है ताकि कोई छोटे बच्चे अपनी उंगली ना डाल दे इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल कर रखा है, ऊपर की साइड को क्लिप दे सकते हो, और स्क्रूज दोस्तों नीचे के हैंडल को ही टाइट करने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ये है इसकी बॉडी और ये है इसका लेआउट। तो फिलहाल दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी मेन एसी है वो एक तो जा रही है आपकी डायरेक्ट स्विच के ऊपर, और दोस्तों दूसरी जा रही है डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर। मैं आपको दिखा दूंगा कि इसका सर्किट डायग्राम क्या है, पर फिलहाल आपको मैं पहले स्विच की वर्किंग दिखा देता हूँ। 4 पॉइंट्स हैं इसमें दोस्तों, इसका मतलब ये स्विच आपका 3 वे में ही काम कर रहा है। नीचे का मतलब कि ये 2 और ये 2 आपस में कनेक्टेड होंगे, तो आपकी एसी तो यहाँ आ रही है, तो मतलब कि कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आप इसको ऊपर को करोगे तो मतलब ये मिडिल पोजीशन पर है, तो आपका एसी यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगी, और यहाँ से दोस्तों ये अच्छा यहाँ पर जंपर डाला हुआ है तो ये इसमें पहुँच जाएगी इस वाली वायर में। तो फिलहाल ये वायर भी आपकी आगे एलिमेंट को जा रही है, और अगर आप इसको और आगे करोगे तो दोस्तों क्या होता है इस केस में, ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे, मतलब कि ये तो चलेगा चलेगा, और साथ में इसके बाद इन दोनों वायर्स में करंट आ जाएगा। तो फिलहाल करंट की पोजीशन तो ये होगी, और आप यहाँ पर एलिमेंट देख सकते हो, एलिमेंट एक तरह से सिरामिक के ऊपर लपेटा गया हुआ है, और ये एक तरह से रेजिस्टिव एलिमेंट है। आप जिस हिसाब से देख सकते हो हीटर्स के अंदर होता है तो बिल्कुल उसी टाइप का एलिमेंट है। और फिलहाल आप एक DC मोटर देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं तो सोच रहा था कि इसके अंदर AC मोटर होगी, पर फिलहाल लेआउट तो यही बता रही है कि ये DC मोटर है, और AC को DC में कन्वर्जन करने के लिए यहाँ पर 4 डायोड लगी हुई हैं दोस्तों। 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर दिख रही मुझे और एक यहाँ पर दिख रही। तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी सर्किट डायग्राम का कुछ पता नहीं है, तो फिलहाल अब दोस्तों मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ होता क्या है। अभी फिलहाल दोस्तों फुल और लो वाला या डिम या हाई वाला तो मुझे नहीं पता, पर फिलहाल होता क्या है, जैसे आप इसको ऑन करते हो मेंस में कनेक्ट करने के बाद तो करंट फ्लो करता है जिससे ये गर्म हो जाता है, और साथ में फ़ैन भी चलता है, और फ़ैन इस गर्म हवा को आगे को पॉइंट करता है, और आगे इस ओपनिंग से ये हवा बाहर निकलती है। तो दोस्तों बहुत सिंपलेस्ट डिज़ाइन है, कोई ज़्यादा इसमें पेचीदापन नहीं है। पर फिलहाल दोस्तों स्पीड बढ़ाने के लिए और हीट बढ़ाने के लिए कुछ पेचीदा मैकेनिज़्म यूज़ कर रखा है, तो आइए एक बार इसको नज़र डाल लेते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेगेटिव यहाँ पहुँची है, मतलब कि न्यूट्रल मान लेते हैं इस रेड वाले को, ये न्यूट्रल यहाँ पर पहुँची है, और यहाँ पर ये अंदर को चलेगी, और इसके बाद आप देख सकते हो कि ये जंप मार के यहाँ पहुँची है,
यहाँ न्यूट्रल पहुँच चुकी है। तो दोस्तों आगे रास्ते में आप देख सकते हैं कि एक तरह से थर्मिसिस्टर लगा हुआ है, मतलब कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है, आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर है, ज़्यादा गर्मी होने पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और टेम्परेचर कंट्रोलर के बाद ही दोस्तों जो ये कॉमन पॉइंट है, एक तो चला गया यहाँ पर इस कॉइल के ऊपर और फिलहाल एक पीछे को कहीं जा रहा है, और आप देख सकते हो कि ये पीछे को चला गया इस पॉइंट पर और ये गया इस कॉइल पर। मतलब कि दोस्तों दो कॉइल्स हैं तो दो टर्न आउट है। अब दोस्तों समझ में आ गया सर्किट क्या है। तो फिलहाल सर्किट कुछ इस टाइप से है, ये आपकी एसी मेंस आ रही है और यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, और ये स्विच इस टाइप से दोस्तों, एक तो आपका डिसकनेक्शन मोड पर हो गया और दोस्तों दो पॉइंट हैं, और फिलहाल ये स्विच या तो आपका एक पॉइंट पर कनेक्ट करेगा या फिर दूसरे टाइम पर ये दोनों पर कनेक्ट कर जाएगा। और दोस्तों ये है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दो हीटिंग कॉइल्स हैं जो कि इन स्विच के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आप जैसे कि पहले ऑफ पोजीशन पर दोस्तों स्विच तो ऑफ रहता है, और जैसे इसको ऊपर को खींचते हो स्विच को तो ये इस पर कनेक्ट हो जाता है, मतलब ये इंडक्टर्स या एक तरह से ये आपका हीटिंग एलिमेंट गर्म होना शुरू कर देता है, रेडिएट करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जब स्विच को आप और ऊपर को करते हैं तो ये जो स्विच है ये दोनों को क्लोज कर देता है, मतलब करंट अब दोनों हीटिंग एलिमेंट पर जाता है और ये दोनों हीटिंग एलिमेंट एक साथ गर्म होने लग जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसको प्रूव करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल रहेगा, पर फिलहाल आप समझ लीजिए कुछ इस टाइप से वर्क करता है। तो ये दोस्तों हो गया कैसे ये लो मोड और हाई मोड पर वर्क करता है। तो फिलहाल दोस्तों अब आगे बढ़ कर देखते हैं कि अब मोटर कैसे वर्क कर रही है। तो मोटर के लिए मैंने देखा था दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से अगर आप देखोगे, हाँ दोस्तों आपका ग्राउंड यहाँ तक न्यूट्रल लाइन यहाँ पर पहुँची है। न्यूट्रल लाइन यहाँ से देख सकते हो कि दो डायोड लगी हुई हैं और दोनों डायोड आपकी, अच्छा एक रिवर्स वाइज में है एक फॉरवर्ड वाइज में है, और ये दोनों मोटर के टर्मिनल पर जा रही है। मतलब कि जो आपका ये कॉमन लाइन है इस पर दो डायोड लगी हुई हैं, एक फॉरवर्ड है एक आपकी रिवर्स है, और ये दोनों मोटर पर आपकी लगी हुई हैं। तो फिलहाल आपकी ये मोटर हो गई। तो और इसका दूसरा पॉइंट कहाँ से जा रहा है दोस्तों, एक बार उसको भी समझना पड़ेगा। तो उसको समझने के लिए दूसरा पॉइंट भी होगा दोस्तों, क्योंकि एक से तो ये चल नहीं सकती। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो कि दोनों मोटर्स के बीच में कैपेसिटर्स भी लगा रखा है, एक आप ये देख सकते हो यहाँ पर कैपेसिटर ग्राउंड के साथ, मतलब मोटर की बॉडी के साथ चिपका रखा है शायद, ये ऐसा कुछ है, ये वाला शायद कैपेसिटर। और ये दो डाइट होगी यहाँ पर भी, आप दोस्तों डाइट देख रहे थे यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर। तो फिलहाल ये डाइट कहाँ से लगी हुई है आप देख सकते हो कि ये डाइट यहाँ पर आ रखी है और यहाँ से नेगेटिव बना के यहाँ पहुँची, तो दूसरी वाली डाइट भी यहाँ से नेगेटिव बना ही रही थी। हाँ दोस्तों ये भी नेगेटिव बना रही थी। तो फिलहाल समझ में आ रहा है कि ये जो डाइट है यहाँ से जा रही है, ये कहाँ को गया। ओ दोस्तों बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया सर्किट हो गया। तो ये कुछ ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर भी एक डायोड लगी हुई है रिवर्स बायस में और ये जा रही है इस इंडक्टर के, ओके सॉरी दोस्तों ये ऊपर को नहीं नीचे की साइड को कहीं पर टच कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूट्रल यहाँ आया था और फिलहाल मोटर की जो डायोड का कनेक्शन वो यहाँ पर है। ओहो दोस्तों बहुत ही उमदा डिज़ाइन कह सकते हैं करके, कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस टाइप की चीज़ें देख के। और फिलहाल दोस्तों दूसरा वाला भी यहाँ पर ऐसे लग रहा है, वाओ, मतलब कि दूसरा वाली कॉइल से भी कट के पक्का दोस्तों, ये भी यहाँ पर कट के। तो ये है दोस्तों सर्किट डायग्राम। अब फिलहाल दोस्तों ये मोटर स्लो और फास्ट कैसे हो जाती है थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, तो सर्किट में ही देख लेते हैं क्या होता है। जब आप इसको कनेक्ट करते हो तो मोटर कैसे चल रही है, एक तो मोटर में डायरेक्ट पॉजिटिव साइकिल में तो ये कंडक्ट करेगा यहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव साइकिल में ये कंडक्ट करेगा यहाँ पहुँच जाएगा, जबकि यहाँ पर ओके दोस्तों इन दोनों जो बीच में हीटिंग एलिमेंट है दोस्तों, ये एक तरह से जो आप रियोस्टेट कभी लैब में पढ़ते आ रहे हो तो उसकी हिसाब से वर्क कर रही है। तो ये टैपिंग है दोस्तों बीच में से, तो मतलब कि अगर इन दोनों टर्मिनल्स पर 220 वोल्टेज लग रही है तो इन दोनों टर्मिनल्स पर आपकी वोल्टेज 220 से कम होगी। ओहो दोस्तों बहुत बढ़िया उन्होंने डिज़ाइन इस्तेमाल कर रखा है 12 वोल्ट जनरेट करने के लिए। ये 12 वोल्ट की मोटर है दोस्तों, इस 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की भी हो सकती है, तो इसको जनरेट करने के लिए सेंटर टैपिंग यूज़ की है दोस्तों हीटिंग एलिमेंट के बीच में से, तो वही एक तरह से इस मोटर को पावर कर रही है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन, हैट्स ऑफ टू फिलिप्स, काफ़ी अच्छा और काफ़ी उमदा डिज़ाइन बनाया है। कॉम्प्लिकेसी लग रही थी सर्किट डायग्राम को समझने में, तो फिलहाल अब समझ में आ गया। तो दोस्तों हो क्या रहा है,
दो हीटिंग एलिमेंट है, दोनों हीटिंग एलिमेंट्स पर टैप करके मोटर को ड्राइव कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हो ऐसा रहा होगा जैसे कि आप पहले वाली कॉइल एक्टिवेट थी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज डेवलप हो रही थी और वो उस वोल्टेज को ये रेक्टिफाई करके मोटर ड्राइव कर रहे थे। तो दोस्तों जब दोनों कॉइलें एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये जो आपका हाफ वे रेक्टिफायर था तो फिलहाल ये फुल वे में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपकी वोल्टेज को बढ़ा देता है और आपकी मोटर ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा तेज़ी से चलनी शुरू कर देती हैं। और दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पाइक्स आए और यहाँ पर नॉइस आए, तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा रखा है और इवन जो शायद एसी टू डीसी कन्वर्जन है तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रखा है। तो फिलहाल दोस्तों काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हो क्या रहा है, एक वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर पहुँची है और एक वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पर पहुँची है और फिलहाल जब ये कॉइल ऑन हो जाती हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोटेंशियल अप्लाई होता है 220 का और फिलहाल इसको कॉमन लेके मोटर को यहाँ से एक इनपुट मिली हुई है और दूसरी इनपुट 200 कॉइल के सेकंड टर्न पर ही मिल जा रही है, मतलब कि 220 वोल्ट आपकी इस थ्रू आउट द लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फिलहाल आप यहाँ से यहाँ तक टैप करोगे तो आपको 220 का कुछ फ्रैक्शन मिल जाएगा और उसी फ्रैक्शन से आपकी मोटर ड्राइव हो रही है। तो फिलहाल मोटर की वर्किंग दोस्तों ये जो मैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम बनाया हूँ तो वो सही है। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक हेयर ड्रायर वर्क करता है, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, काफ़ी उमदा टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल कर रहा है। कोई ट्रांसफार्मर नहीं है, बस जस्ट हीटिंग एलिमेंट पर ही टैपिंग लगा के मोटर को ड्राइव किया जाता है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। और फिलहाल दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो कॉइल्स को लपेटने के लिए यहाँ पर उन्होंने सिरामिक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि नॉन कंडक्टिंग एक तरह से पेपर है और इसके ऊपर कोटिंग कर रखी है एक तरह से सिरामिक की ताकि ये हाई हीट और हाई करंट को सह पाए। और आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये फटने टूटने लग गया क्योंकि मैं ज़्यादा इसको मरोड़ रहा था, कुछ कर रहा था, इसलिए ये टूट फूट गया। पर फिलहाल आप देख सकते हैं काफ़ी उमदा डिज़ाइन है और यहाँ पर जो मोटर ड्राइव होती है वो इस एग्जॉस्ट या इस तरह से फ़ैन को ड्राइव करती है और एक तरह से पीछे से हवा को सक करती है और सारी हवा को आगे को फॉरवर्ड करती है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक तरह से थर्मोरेजिस्टर या टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रखा है, अगर टेम्परेचर लिमिट से कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ये आपका जो कंट्रोलर है ये आपका कट डाउन कर देगा और आपका जो हेयर ड्रायर है ये थोड़ा ठंडा होने के लिए रुक जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आइए अब इसको मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों ये अब पैक हो चुका है, तो दोस्तों वर्क कर रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अपनी थ्योरी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों ये पहले पर पड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देख पाओगे कि अल्टरनेट कॉइल जल रही हैं, आगे वाली कॉइल यहाँ पर गर्म नहीं हो रही हैं। और अगर मैं पूरी स्पीड पर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि सारी कॉइल्स जलनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब थर्मल कट डाउन हो गया, कोई लाइट नहीं गई दोस्तों, थर्मल कट डाउन हो चुका है क्योंकि वो टेम्परेचर कंट्रोलर जो लग रखा है वो शट डाउन हो चुका है, उसने पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया है। जब तक तो अभी ठंडा नहीं होगा दोस्तों ये वापस ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कि कैसे एक हेयर ड्रायर वर्क करता है और इसके अंदर एक तरह से टेम्परेचर कंट्रोलर भी लगा होता है और एक तरह से स्पीड अप डाउन करने के लिए दो कॉइल्स लगी होती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अब हेयर ड्रायर की वर्किंग समझ में आ गई होगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक हेयर ड्रायर के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.